नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो मार्केट में ले लेते हैं, बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा प्रॉफिट देखे गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में जो भी हाथ में पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही हम लोग फंसते हैं, क्योंकि आपको एग्जिट सही से करना नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जैसे आज को मैं निफ्टी का जो चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। तो मैं धीरे धीरे चार्ट को आगे बढ़ूंगा, देखूंगा जो कॉल कैसे बन रहा है और उस कॉल को हम लोग आइडेंटिफाई कर कैसे रहे। तो देखिए, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। अब यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना चाहिए, सबसे पहले जो चीज है यहाँ पर आपको देखिए एक डॉट 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 व्हाइट कलर का लाइन दिखाई देगा साइड में, जिसका लिखा है ब्रेकआउट जोन। अभी जो व्हाइट कलर का जो डॉटेड लाइन है, जिसे हम लोग ब्रेकआउट जोन कहते हैं, इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है, इसका यूज क्या है। अगर किसी दिन आपको दिखाई दिया कोई भी स्क्रीन में मार्केट का जो ओपन वैल्यू है ये ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ, तो समझिएगा मार्केट में इस दिन एक अलग सा सेंटिमेंट काम करता है, जिसका दौरान मार्केट नीचे आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर किसी दिन मार्केट ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ, मार्केट नीचे गिरने का एक टेंडेंसी होता है, क्योंकि इसे हम लोग गैप थ्योरी का हिसाब से भी कहते हैं। ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ, और अगर आप देखेंगे इस हिसाब से भी पहचान पाएंगे, देखिए ये अगले दिन का क्लोजिंग कैंडल है, ये आज का ओपनिंग कैंडल है, मतलब मार्केट में यहाँ पर बहुत बड़ा एक गैप दिखाई दिया। तो मार्केट क्या करता है, इस गैप को फिलअप करने के लिए ही नीचे आने का कोशिश करेगा। अब एक कितना नीचे आएगा, इसका दो कंसेप्ट होता है। यहाँ पर एक रेड कलर का डॉटेड लाइन दिखाई देगा जो ब्रेकआउट का साथ है, तो ये इसका सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो सपोर्ट तक गिरेगा, उससे भी नीचे गिरेगा तो ये अगले दिन का जो क्लोजिंग है उसको टच करने का कोशिश करेगा। तो यस्टरडे का क्लोजिंग और आज का जो सपोर्ट लाइन है लगभग सेम लोकेशन पे है, तो लगभग उसी जगह पे जाने का एक चांसेस है। तो ये सोच आपको पहले बना लेना है जो मार्केट क्या होने वाला है। देखिए एग्जैक्टली क्या होगा वो तो किसी को भी पता नहीं है, बट क्या हो सकता है उसका भी अगर अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो एक इंट्राडे ट्रेडर को सबसे पहले देखना पड़ता है जो मार्केट ओपन कहां पर हुआ है। जैसा आज को निफ्टी ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ, ये मुझे फर्स्ट चीज दिखाई दिया, और अगले दिन का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग में गैप भी है, तो ये दोनों चीजें मुझे इंडिकेट कर रहा है मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा। बट यहां पर आपको वेट करना है कोई फ्रेश कॉल के लिए। अगर कोई फ्रेश पोजिशन क्रिएट होता है तब जाके आप यहाँ पर सिक्योरली ट्रेड पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज नॉट। तो देखिए अल्टीमेट मार्केट का जो टेंडेंसी है ये नीचे का तरफ ही है, बट काफी देर तक मार्केट उसी सेम जगह पे घूम रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर कोई गलत ट्रेड कर लेता है जहां पर उसको लॉस होता है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नॉट। और मैक्सिमम बंदा जो लॉस खाता है फ्रस्ट्रेशन में, मतलब क्या होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर को लगता है 9:15 बज गया, कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट निकालना ही है। तो देखिए 9:15 से लेके ये 11:30 बजने चला, अभी तक कोई मौका नहीं दिया है प्रॉफिट बनाने लायक। और ट्रेडर क्या होता है, इसी टाइप का सिचुएशन में कुछ ना कुछ ट्रेड कर लेता है और यहीं पर उसका गलती हो जाता है जहां पर वो लॉस खाता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, मौका कब मिलेगा वो किसी को भी पता नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए देखते देखते 12 बजने चला, अभी तक यहाँ पर कोई कॉल बना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 12:15 बज गया, तो हम लोग देखेंगे एक्चुअली कॉल बन कब रहा है, लगभग 12:30 बजे टाइमिंग देख लीजिए, 12:30 बजे का जो टाइमिंग है, यहाँ पर आके अभी आपको एक सेलिंग का कॉल दिख रहा है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो सुबह का सिचुएशन है ये टोटली एक साइडवेज मूवमेंट है। अब ऐसा सिचुएशन में अगर आप प्रॉफिट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट तो होगा नहीं, उल्टा लॉस ही हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है, और सॉफ्टवेयर लेने का मेन मकसद यही है, जो सॉफ्टवेयर एक रूल फॉलो करेगा, और जब तक वो रूल आपका फेवर में नहीं आता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। लॉस से बचना भी वन काइंड ऑफ प्रॉफिट होता है।
फाइनली 12:30 बजे आपको दिखाई दिया है, सेलिंग का कॉल दिया है, एक फ्रेश कॉल है। अभी सेल का कॉल में मैं पहले का एक बार कंडीशन देख लेता हूँ। एक्चुअली हम लोग का सॉफ्टवेयर में कंडीशन क्या है, जब भी कोई सेल का कॉल बनेगा नीचे का जो रिबन है उसका कलर को रेड होना चाहिए, तो ये रेड है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन जो मैच है। दूसरा कंडीशन होता है सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, तो आपको रेड कलर का स्टार भी दिख रहा है। एंड तीसरा कंडीशन होता है ये वाला ब्रिक्स वाला इंडिकेटर, जिसका कलर रेड होना है और ये ब्राउन का नीचे आना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होते हैं तभी जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे। तो देखिए मैं पहली एक चीज बताया, जो आज को मार्केट ब्रेकआउट का ऊपर ओपन हुआ था और अगले दिन का क्लोजिंग और आज का ओपनिंग में काफी ज्यादा गैप भी मुझे दिख रहा था, तो उस हिसाब से मार्केट का एक टेंडेंसी था मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये मेरा पहले से एक सोच बन के रखा है, बट हम लोग वेट करेंगे कोई फ्रेश कॉल के लिए जहां पर मुझे फ्रेश एंट्री मिले, और इस टाइप का कॉल में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा होता है। और अगर मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूं तो मैं पहले बताया ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये सपोर्ट लाइन है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए मार्केट को समझना, जो कितना मार्केट गिरेगा या उठेगा। ये रेड डॉटेड लाइन और ऊपर में जो ग्रीन डॉटेड लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हेल्प करेगा। सपोज अभी आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो आपको टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा दिख रहा है, पर टारगेट देखने का जरूरत नहीं है, देखिए आपका सपोर्ट कहाँ पर है, मतलब आपका रेंज कितना है। जितना रेंज रहेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर सेल करता हूं तो मेरा वही होप है जो रेड डॉटेड लाइन तक मार्केट धीरे धीरे चला जाएगा। एंड अल्टीमेट देखिए इस सेल का कॉल में यहां पर सपोर्ट लाइन को टच किया, लगभग 50 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहाँ पर बना लिए। तो निफ्टी में 50 पॉइंट मतलब मोर देन एनफ होता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है आप यहाँ पर पुट बाय करके भी पैसा बना सकते हैं। जैसे सपोर्ट लाइन को टच कर दिया इसका मतलब है यहां पर ये आपको रोकेगा। अब इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा ये बात का मैटर है, बट हम लोग को याद रखना है यहां पर अगर आपको मतलब सपोर्ट लाइन को ऑलरेडी अगर टच कर दिया है तो यहां पर आप अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लीजिए। अल्टीमेट देखिए यहां से मार्केट धीरे धीरे रिवर्स हो गया। फाइनली नीचे का जो ब्रिक्स है ये अगर ब्राउन का ऊपर चला जाता है तो समझ जाना है जो इसका ट्रेंड पोजिशन भी चेंज कर रहा है। एंड फाइनली देखेंगे यहां पर बाइंग का कॉल बन गया। तो एग्जैक्टली देखिए जो हम लोग का सोच था जो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरा एग्जैक्टली, कॉल मुझे बना और कितना गिरेगा ये आपका सपोर्ट लाइन में अंदाजा दे दिया। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पहले से एक अज्यूम्शन हो जाता है जो यहां तक मार्केट गिर सकता है तो काम बहुत ही इजी हो जाएगा। फाइनली देखिए यहां पर बाय का कॉल बना। अब ये एक फ्रेश कॉल है, यहां पर भी वही सेम कंडीशन हम लोग रिपीट करेंगे। नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट यहां पर बाय का कॉल में देखिए कोई स्टार अभी तक बना नहीं है, तो आपको वेट करना है स्टार कब बनेगा। विदाउट स्टार आप एंट्री नहीं ले सकते। जैसे ये कैंडल बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ग्रीन स्टार बन रहा है, तो आप चाहे तो इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं बट इसका पहले नहीं। याद रखिएगा जो तीन कंडीशन है तीनों कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहां पर बाय कर रहे हैं तो आपका सोच क्या होगा, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है। जैसा सेलिंग का टाइम हम लोग सपोर्ट को देख रहे हैं, बाइंग का टाइम हम लोग को रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस हम लोग को बता देगा जो कितना ऊपर मार्केट जा सकता है। तो हम लोग अगर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट धीरे धीरे कहां पर मूवमेंट करता है। फाइनली अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है ये रेजिस्टेंस लाइन को टच कर दिया और यहां पर भी आप लगभग 40 से 50 पॉइंट अर्निंग कर लिए। तो देखिए दिन में दो कॉल मिला, दोनों ही आपको निफ्टी में 50 50 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया है, दिस इज मोर देन एनफ। तो ये रेजिस्टेंस को टच करने के बाद यहां पर भी वही कंसेप्ट आता है, ये एक बाउंडेशन है, इसका बाद मार्केट उठेगा या नहीं उठेगा कोई गारंटी नहीं है। तो अल्टीमेट देखिए यहां पर मार्केट फाइनली गिरा दिया और यहां पर एक सेल का कॉल देखे मार्केट खत्म किया। ये जो सेल का कॉल बनाया देखिए इस सेल का कॉल में नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट इस सेल का कॉल का पहले कोई स्टार नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है ये कॉल आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो दिन में ऐसा बहुत सारा कॉल बनता है, बट आपको वेट करना है कोई परफेक्ट कॉल के लिए। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा ट्रेड नहीं करना है, और टारगेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसमें और एग्जिट पे। तो कैसा लगा लॉजिक जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक से जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है। स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। और डिटेल में जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग को कॉन्टेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच,
वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा।